जो कि डिस्क्राइब्स करता है या बताता है किसके बारे में क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन किस में सेंटेंस में यानी कि वे क्या बता रहा है एडजेक्टिव बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है उस सेंटेंस में ये बता रहा है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे राम मोटा है तो राम यहाँ क्या है नाउन है इज फैट तो फैट यहाँ क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ तो एडजेक्टिव क्या बता रहा है कि राम मोटा है राम इज फैट एंड द सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज ए रेड पेन पेन क्या है आपका ये एक लाल पेन है पेन क्या है आपका नाउन है तो पेन रेड कलर का है तो एडजेक्टिव यहाँ रेड हुआ ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है नाउन की क्वालिटी को यानी कि पेन जो है वो रेड है एंड द थर्ड इज सीता इज ब्यूटिफुल तो सीता यहाँ क्या है नाउन है इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या है इसकी क्वालिटी है यानी कि वो खूबसूरत है तो ये क्या बता रहे कि सीता खूबसूरत है तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल में हम देखेंगे कुंदन इज टॉल कुंदन लंबा है तो कुंदन जो है वह क्या है लंबा है तो कुंदन की क्वालिटी को बता रहे कि वह लंबा है तो यहाँ कुंदन कौन है नाउन है एंड टॉल क्या है उसकी क्वालिटी है ऑन द फिफ्थ इज अंकिता इज थिन अंकिता पतली है यानी कि अंकिता कौन है प्रोनाउन है हमारी सॉरी नाउन है इज थिन थिन यानी कि पतली है तो वो क्या बता रहा है एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी को बता रहा है तो एडजेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर थिन तो ये डेफिनेशन है हमारी एडजेक्टिव की